कवर्धा में सांसद संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश मंत्री विजय शर्मा पर एफआईआर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं कैलाश चंद्रवंशी और सौरभ सिंह के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई का मुद्दा शून्यकाल में बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने इन घटनाओं को आपातकालीन स्थिति बताया। इस बीच मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा कार्रवाई को सही ठहराए जाने के बाद विपक्ष आक्रोशित हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि सदन की कार्रवाई दो बार स्थगित हुई, एक बार 10 मिनट के लिए, दूसरी बार 5 मिनट के लिए। हालांकि जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो दोबारा इसी विषय पर बहस शुरू हो गई। इस मामले में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बेहद आक्रामक तेवर के बीच जिला बदर रासुका की कार्रवाई को लेकर बीजेपी विधायकों ने सवाल किया, क्या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आंदोलन का अधिकार नहीं है? यह आपातकालीन आचरण है, कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम सरकार कर रही है। वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, किस आधार पर यह कार्रवाई की गई है? राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे ही, तो क्या पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी? मसले को लेकर विसरे ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने की मानसिकता को हम कुचल देंगे। कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता को कुचलने की ताकत हम रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। हम इसका माकूल जवाब देंगे। और किसी मंत्री के द्वारा खड़े होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की कार्रवाई को सही बताना, जिला बदर की कार्रवाई को सही बताना, ये लगता है दाल में कहीं न कहीं काला है। और ये राजनीतिक कारणों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, हम इसका डटकर विरोध करेंगे। वहीं इस हंगामे के बीच बड़ौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा, पुलिस ने 67 मुकदमे दर्ज किए हैं, 3 एफआईआर दर्ज हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने निर्देश दिए कि जांच करें, लेकिन जांच नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा कि मुकदमा वापस लें, मुझे जमानत लेने दें या गिरफ्तार कर लें। एक प्लांट के खिलाफ मैं सिर्फ नौकरी के लिए आवेदन किया था और शासन के विरोध में बात किया हूँ, कांग्रेस सरकार के विरोध में बात किया हूँ, जिसके लिए मेरे खिलाफ में बहुत सारा धारा लगाया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि न ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, ना चालान को पेश कर रहे हैं, ना गिरफ्तार कर रहे हैं, ना जमानत लेने दे रहे हैं। तो मेरा कहना है, या तो गिरफ्तार करिए, जमानत करिए, सिर्फ टारगेट करके रखा जा रहा है कि ताकि चुनाव आए, चुनाव में हम इसका उपयोग करें। ये ऐसी कांग्रेस की सरकार। बहस हो ही रही थी और विपक्ष हंगामा कर ही रहा था। उसी बीच तब ये हंगामा और बढ़ गया जब वन मंत्री और कवर्धा विधायक ने सदन में कहा कि पुलिस की कार्रवाई एकदम सही है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन पर अपराध दर्ज हैं, वे व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, पुलिस से धक्का मुक्की करेंगे, इसके वीडियो उपलब्ध हैं और कार्रवाई हो तो आप लोग उन्हें संरक्षण देंगे। वही सरकार का कहना है कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। मुझे लगता है प्रतिपक्ष के पास मुद्दे बचे नहीं। कवर्धा की सामान्य घटना थी, 5 लोगों के खिलाफ जिला बदर की नोटिस दी गई है। झंडा वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें 3 मुस्लिम लड़के हैं और 2 अदर लड़के हैं, 5ों के खिलाफ अभी नोटिस दिया गया है। एक नाम जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वो नाम तो उसमें शामिल ही नहीं है। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार धार्मिक भावनाओं को लेकर सदन का वक्त जाया कर रहे थे, इसलिए गतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई घटना हुई नहीं। क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का जो रूटीन का काम है उसके अलावा कवर्धा में कुछ नहीं। मसला कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर था। सदन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद थे, व्यवस्था के दृष्टिकोण से जवाब उन्हें देना था, लेकिन जवाब मंत्री अकबर ने दिया। बीजेपी कवर्धा में जिन मसलों को लेकर आंदोलित है उसके निशाने पर क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद अकबर ही रहते हैं, इसलिए सीधे मंत्री मोहम्मद अकबर के जवाब से विपक्ष भड़क गया। नाराज विपक्ष इसके बाद गर्भगृह में आ गया और जमकर नारेबाजी करने लगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो सदन में जमकर हंगामा मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वार पलटवार किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता के पास। भंसाली साहब, ये जो कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज की गई, जिसका विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आप? कितनी नैतिक कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा?
जो लोग कानून तोड़ेंगे, जो लोग पुलिस का कॉलर पकड़ेंगे, जो लोग दंगे फसाद करेंगे, जो लोग पुलिस का सर फोड़ेंगे, क्या वो कानून के दायरे में नहीं आएंगे? मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। यदि उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की गई है तो बिल्कुल सही, कानून सम्मत है, इसमें तो भाजपा को स्वागत करना चाहिए। और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के यू कर स्थान अगर आप कहेंगे तो निकालूंगा, तो मंत्रियों से, इनके पूर्व मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने कितने अपराध किए हैं, तो क्या इनको छोड़ दिया जाए? इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई न की जाए? जो भी हुआ है कानून के संबंध हुआ है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को मेरे को नहीं लगता कोई राग अलाप करना चाहिए। मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं और मुद्दे न होने की वजह से मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के एनकैन प्रकरण में विधानसभा में समय खराब कर रहे हैं। अभी आदरणीय रविन्द्र चौबे जी बता रहे थे जिस, लेकिन भंसाली साहब ये जो आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष के लिए कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कुछ समय पहले तक आपकी पार्टी आरोप लगा रही थी ना कि केंद्र की मोदी सरकार भेदभाव कर रही है हमारे साथ, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, अब वही काम आप लोग भी तो कर रहे हैं। जब कुछ समय पहले सरकारी एजेंसियों पर आरोप लगाया जा रहा था कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो रहा जी? ऋषभ जी मुझे बताइए, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कौन है? नारायण चंदे, उनके लड़के के ऊपर दुष्कर्म के आरोप आदिवासी महिला ने लगाए हैं, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जयराम दुबे भाजपा नेता महाराष्ट्र से शराब लाकर भेजते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? राजेश मूढ़क, मैं बता दूं पूर्व मंत्री, हाल ही में आपके चैनल्स में तो आप लोगों को बीच में वो गालियां जब वो बोल रहे थे तो आपको म्यूजिक डालकर उसको रोकना पड़ा, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पखांजूर में मंडल अध्यक्ष शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जांजगीर के दो भाजपा नेता रेत घाट में आपस में लड़ते हैं सिंडिकेट में और एक दूसरे के साथ मारामारी करके सर फोड़ते, तो करनी चाहिए? पार्षद बलात्कार का आरोपी हो यदि खरोरा में, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भाजपा नेत्री गंगा पांडे मानव तस्करी के आरोप में यदि गिरफ्तार हो तो क्या गिरफ्तारी? पूर्व मुख्यमंत्री के पीएम योगी गुप्ता जो कि नाबालिग दुष्कर्म के आरोप में 2014 से 2018 तक उस आरोप में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की सरकार बनने पर उस बच्ची को न्याय दिलाया गया, इसके बाद क्या हुआ? उसके पूरे परिवार को गायब करवा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी? कुल मिला के भंसाली साहब, आपके साथ कार्रवाई हुई है कार्यकर्ताओं पर, वो बिल्कुल सटीक है, और जो जो हजारों आदिवासियों को भारतीय जनता राज्य सरकार उन पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी, उन पर FIR दर्ज करेगी, ऐसा आपका कहना? ठीक है, वापस से आऊंगा भंसाली साहब आपके पास। राजीव की पूरी बात आपने सुनी भंसाली जी की, कानून तोड़ेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है राजीव जी, पूरी बात आपने सुनी भंसाली साहब की, कार्यकर्ता अगर पुलिस प्रशासन का सर फोड़ेंगे, हंगामा करेंगे, तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगी क्या? आप तो खुद ही चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, जो राज्य है शांति का टापू बना रहे, फिर किस बात का हो हल्ला? बिल्कुल ऋषभ जी, राज्य में शांति व्यवस्था हो, नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्थित हो, महिलाएं बच्चे आराम से घूमें शहर के अंदर या इंटीरियर हो, यात्रियों की बैग चोरी ना हो, ये बिल्कुल कानून व्यवस्था की बात है, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन साहब एक बात है, एक पार्टी है इस देश में जिसने 65 साल तक राज किया, जब उस पार्टी को लगता कि कोई सामान्य वर्ग के लोग शासन की ओर अग्रसर है, वो केंद्र में शासन करती है, या जब वो अत्याचार का विरोध करती है, तो उनके नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि देश में आपातकाल लगा दो, पत्रकारों को जेल में ठूस दो, और या जब कोई समाचार पत्र उसके खिलाफ कुछ लिखे तो समाचार पत्र के बंडल को जब्त कर लो, उसके चैनल को काट दो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी। वो पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। कौन कर रहा है अभी आपातकाल के समय? भाई अभी बीजेपी की कार्रवाई, मैं आपको नहीं बोला, मुझे मुझे बोल रहे बोल रहे हैं जनता पार्टी ने कवर्धा में सनातन धर्म का अपमान हुआ और मोहम्मद अकबर जी वहां पर जाके उनको साढ़े 700 लोगों को, पुलिसों को गाड़ियों में भरकर हथियार से लैस कर वापस गंगे फसाद करने कवर्धा में ले जाएंगे। अभी बोलना नहीं दूंगा, अभी आप बोलेंगे ना आपको एक शब्द बोलने नहीं दूंगा। आप क्या समझते हैं
ये इनकी शासन है, ये पत्रकारों का मुंह बंद कर देते हैं, उनका विज्ञापन बंद कर देते हैं। आज रमेश जायसवाल जो अंबिकापुर के थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, जो पत्रकार थे हमारे नामदेव जी उनकी बच्ची को स्कूल से निकलवा दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया। हमारे जो दिन के घर का लोगों को रायपुर की पुलिस या कवर्धा की पुलिस दो काम करती है, विपक्ष का मुंह बंद कर देती है, विपक्ष के लोगों के ऊपर। हाँ मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ ऋषभ जी, पहले आप छोड़िएगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं चुपचाप सुनूं और वो मेरी बात अघोषित आपातकाल ऐसे नहीं जी। और मैं देखिए इस प्रदेश में अघोषित आपातकाल लग चुका है, सांसद जी प्रदर्शन कर रहे थे, किसी पुलिस के साथ धक्का मुक्की नहीं की, उन्हें जिला बदर जैसे गंभीर आरोप में भाई नोटिस दिया है, अभी है नहीं है नोटिस दिया उसपे कर रहे थे जरा सी धरती क्या हिली जो कार्यकर्ता पुलिस को पीटती है, पुलिस का वर्दी है, सब कोई कार्रवाई नहीं होता है। आपके शासनकाल में कैसे लाठियां पड़ी थी हमारे बिलासपुर में, हमारे नेताओं का अटल श्रीवास्तव उनको नहीं जा रहा, ये बताइए कांग्रेस भवन से निकाल निकाल कर लाठियों से चला गया था। राजीव जी ये बताइए कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के जवानों का सिर खोलते हैं, उन पर पत्थर चलाते हैं, उन पर हाथापाई करते हैं, झूमा झपटी करते हैं, तो क्या उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? कभी उन पर जिला परिषद में नारायणपुर में एसपी का सिर फोड़ा गया, नारायणपुर में दंगे फसाद के दौरान भाजपा नेता गिरफ्तार हुए, विजय शर्मा जी ने छोड़ दे उनको बात कर ले, वो भाजपा के नेता है तो क्या वो किसी भी पार्टी के नेता कानून सभी के लिए बराबर होता है? राजनीतिक लोगों की इन्होंने करवाई, पत्रकारों का मुंह पूरे देश जानता है कि किस तरीके से सुन सुनकर टारगेट के लिए राजीव जी सांसद हमारे कांग्रेस के नेताओं की किसी पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं उठाई। राजीव जी शांत हो जाइए, ऋषभ जी आप मेरी बात सुन लीजिए, ये जो कांग्रेस शासन है चार साल में महिलाओं का के ऊपर अत्याचार बंद नहीं करती, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं 2018 में महिला अत्याचार के मामले नंबर ये क्या बात कर सकते भैया, तो महिला सम्मान की बात मत करो, वो आपके मोदी जी अपनी पत्नी को गुजर घर से निकलने नहीं दिया था भाई, मत करो, अरे घोर पाप लगेगा भाई, मत बोलो। अत्याचार और चरित्र है 1974 वापस आ गया छत्तीसगढ़ में, अरे 1974 का आपातकाल में बताऊं क्यों लगा था, आपातकाल लगा था अभी बंदा तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने की थी, उसको सहमति दी उसने। राजीव जी भंसाली साहब शांत हो जाइए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लूं, उन्हें भी वक्त दे दूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऋषभ जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये आंकड़ों देखिए भाई बिल्कुल झूठ का पुलिंदा कांग्रेस पार्टी के, अभी मेरे को पीट देंगे, जवाब दीजिए ना, रोकिए लंदन में जाके भंसाली साहब शांत हो जाइए, एक ही करके ऐसे नहीं देखिए तो भाई जी मेरा सवाल ये था कि अभी एक जुड़ीदार कार्यकर्ता कैमरा हटाओ के बाद मुझे मार देंगे ऐसा लग रहा है, तो क्या पुलिस प्रशासन को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए? मतलब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट सब के लोगों का बयान सब झूठ है, सब झूठ है, 700 लोगों को रायपुर से गाड़ियों में भरकर हथियार लेकर कवर्धा में दंगा फसाद करने के लिए ये भाजपा नेता पूर्व सांसद और भंसाली साहब लेकर गए थे, शांत हो जाइए, उनको पीसी साहब को सवाल लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें भी समय दे दूं। पीसी साहब ये जो विधानसभा में हंगामा बचा हुआ है, किस तरीके का हंगामा हो रहा है ये आप भी जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो की गई, क्या ये गलत था या सही था या फिर ये सत्ता का दुरुपयोग था? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो एक शांतिपूर्ण माहौल है उसको चुनावी वर्ष होने के कारण अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से चुनावी ध्रुवीकरण का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दल संकल्प पद आयोजन भी किए जाते हैं और जिसमें ध्रुवीकरण बढ़े
और जिससे चुनावी फायदा मिल जाए, वोट की फसल अच्छी हो और अच्छी काटी जाए करके, ये सिलसिला चलने लगता है जैसे ही चुनावी वर्ष आ जाते हैं। अब इसमें आम जनता की जिम्मेदारी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी होती है, और इसके लिए सत्तारूढ़ दल को मतलब जिम्मेदार ठहराया जाता है अगर कहीं से कोई भी उसमें हीला हवाला हो या ढीलापन हो। तो प्रशासनिक सक्षमता के लिए सत्तारूढ़ दल को सख्ती करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि जब अपने विरोध में कोई चीजें अगर उठ रही है, कहीं पत्रकारों ने कोई खबर छापी है या कहीं कोई उस तरह से बात आई है, तो उसके खिलाफ जो है अगर थानेदार के स्तर पर, जिले स्तर पर, एसपी के स्तर पर गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाती है तो उसका भी विरोध किया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में तीन चार जिलों में ये देखा गया है इस तरह से दबाव कार्रवाई की गई है। जी जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो फिर सत्ता का दुरुपयोग हुआ ना। कुछ समय पहले सत्ता का दुरुपयोग करने की केंद्र सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अब राज्य सरकार क्या कर रही है वो भी तो सेम। राज्य सरकार का ओवरऑल बाकी जिलों में तो ठीक है, लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ के दो तीन जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस की इस तरह से निर्मम तरीके से पत्रकार या जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके खिलाफ इस तरह से कदम उठाने की शिकायतें मिली हैं, और बाकी ये जो बाकी चीजें जो चल रही हैं उसमें ये हमने देखा है कि कई जगह सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें नारायणपुर में हुई, वहां पर क्रिश्चियन समुदाय को निशाना बनाया गया, और इसी तरह से जो कवर्धा में जो इंसिडेंट पुराना हो चुका है अब वहां पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके कुछ घटनाक्रम हुआ था, तो उस समय दोनों स्थानों पर जो है पुलिस की कार्यवाही में विलंब हुआ जिसके कारण घटना बढ़ी। घटना को पहले नियंत्रित किया जा सकता था, वो प्रशासन की निश्चित रूप से उसमें लापरवाही देखी गई थी और वो ऐसी स्थिति रिपीट नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, पहले पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकती थी तो शायद इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। बंसाली आगे नहीं बढ़ती। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी उन्होंने निर्देश दिए थे कि पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, जांच अभी तक नहीं हुई। होती तो बात यह होती कि सही घटना करना पड़ता, जांच इसलिए राजीव जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बंसाली साहब से सवाल कर रहा हूँ ना। नहीं, उन्होंने मुझे बोला है ना, अब मैं देखता हूँ। परेशान है भाई, परेशान है, बंसाली साहब परेशानी की दूर कर दीजिएगा, सवाल को उत्तर में उनका निराकरण कर दीजिए। ठीक है, सिमट गए सब सब ये दमन करके चाहते हैं कि विपक्ष के गला घोट देंगे, हम और मजबूत होंगे। अरे जांच चल रही है भाई, चलोगे जांच चल रही है, और अभी अभी किसी के खिलाफ जिला बदलकर आंसूका की कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीस वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे पुलिस कर्मियों को सिर फोड़े गए, वहाँ पर नोटिस जारी हुई है, अभी जिला बदल की कार्रवाई नहीं हुई है। जब वो साक्ष्य सही पाए गए और लगा कि वो व्यक्ति यहाँ पर जिले में रहने लायक नहीं है, इसकी वजह से कानून व्यवस्था खराब हो, जिला बदल भी किया जाएगा। कानून सभी के लिए समान है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, कानून हाथ पे लेने की जरूरत सबके लिए एक समान है। तो अभी तक जांच क्यों नहीं है? कलम तोड़ना चाहती है भाई, आप शासन काल में बात का, आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है, आपके पास वीडियो फोटोज भी है, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, उन पर हमला किया गया, जांच कितनी और लंबा चलेगी? विधानसभा अध्यक्ष खुद जांच के निर्देश दे रहे हैं, उनके निर्देश पर तो जांच जो है वो तेजी से चलनी चाहिए ना साहब। अरे भाई साहब, जांच तेजी से चल रही है ना, जांच तेजी से जांच चल रही है, नोटिस जारी हुआ है। क्या नजारा यहाँ पर? तो अरे ये खोज रहे हैं कि किसको। नहीं नहीं नहीं, ऋषभ जी क्या है ना, बोल मैं बता देता हूँ। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस के आप लोग नहीं है, सांसद संतोषण को प्रदेश रायपुर से 750 लोगों को, गुंडों को गाड़ियों में भर कर वहाँ पर दंगे फसाद करने के लिए ले जाया गया था। चुनाव के समय बात सांसद और पूर्व सांसद है तो उनको गुंडागर्दी करने का कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दो तीन पाए जाएंगे ना ए भाई, जेल भी भेजेंगे, चिंता मत करो। बलात्कार और लूट हो रही है, कोई कहने वाला नहीं साहब।
क्यों कहने वाला नहीं है? क्योंकि पुलिस को बना दिया वीवाईपी की सुरक्षा प्रहरी और दूसरा काम रह गया कि विपक्ष के लोगों को पकड़ो। तो ऐसे नहीं होता साहब, कांून व्यवस्था सबके लिए है। ओपी गुप्ता कौन से? अरे ओपी गुप्ता कौन से बता देता है? कौन से ओपी गुप्ता कहता है? बताओ कौन से? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का किया 2014 में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के पीए रहे हो और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब उस बच्चे के न्याय के लिए कांग्रेस करी और 19 रुपए के खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ। ऐसे नहीं है कि क्या किया डॉक्टर रमन की सरकार ने? उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ मैं आरोप लगाता हूँ। एक एक करके ऐसे थोड़ी डिबेट हो पाएगी। जी राजीव जी बोलिए। जी ऋषभ जी, मेरा दो सवाल है आपसे। क्या सांसद को पथराव करते हुए पुलिस का कॉलर पकड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने देखा है? कोई चीज और अभी है। उनके रपट में लिखा है दो हवा में कोई चीज नहीं हुई है। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। ये चिल्ला चिल्ले अपने वकील को बेचकर कोर्ट में आर्गुमेंट करवाना, यहाँ डिबेट में नहीं। यदि दोषी होंगे कार्रवाई होगी, गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाएंगे। ये सब जिरह करने के लिए इनको ही भेज देना कोर्ट। विज्ञापन बंद कर दे। गलत किया होगा। पार्टी सोचती है कि देश में केवल गांधी परिवार का राज रहे पूरे राजीव साहब। राजीव साहब, जब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कुछ कृत्य करें और शांति भंग करने की कोशिश करें, तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को ही पहले उन पर एक्शन ले लेना चाहिए? कभी नहीं किया पाक साहब जी, कभी नहीं। बिल्कुल जो भी गलत होता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अच्छा बताओ ना भाई, कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। चलो बताओ, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। जो नारायण चंदेल का बेटा कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का नारायण चंदेल का बेटा, प्रतिपक्ष भाजपा का बेटा कहाँ है? कमलनाथ को जिसके खिलाफ दुष्कर्म का बलम कर आरोप है, जो भागे भागे फिर रहा है, जो नारायण चंदेल कर रहा है। शांत हो जाइए। पीसी साहब से आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं। लंदन जी, चर्चा अपने आखिरी दौर पर है। आखिरी सवाल मैं पीसी साहब से ले लेता हूँ। पीसी साहब, ये जो हंगामा मचा हुआ विधानसभा में, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कार्यकर्ताओं की एफआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ, क्या लगता है आपको इस सत्ता का दुरुपयोग है कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में शक्ति प्रदर्शन है दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब जो सूबे में सरकार बनने वाली है जो थी वही रहेगी? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जो उस विधानसभा में किया जा रहा है, जिस विधानसभा का अभी बहुत महत्व है प्रदेश में सरकार के कामकाज के लिए, अब समय बहुत कम बाकी है और इस कामकाज के जरिए ही प्रदेश में जो है विकास दिखाना सत्ता पक्ष का कर्तव्य है। और सत्ता पक्ष उसको कितना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी जवाबदेही सत्ता पक्ष की होनी चाहिए और सत्ता पक्ष से वो सवाल किए जाने चाहिए जो जो बजट में उन्होंने घोषणा की उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या वो व्यावहारिक घोषणाएं हैं या उसमें क्या क्या लूप होल है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पिछले बजट में जो चीजें हुई थी, घोषणा किया गया था, वो कितने अधूरे हैं, कितने पूरे नहीं हुए हैं, उसके कारणों को लेकर छानबीन होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर सरकार उन चीजों में फेल है तो उन मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसे आवास का एक मुद्दा था, आवासहीनों को आवास नहीं मिला था, उसको लेकर के स्थितियां क्लियर करनी चाहिए। जो सरकार ने घोषणा की थी कांग्रेस की घोषणा पत्र में कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो अब जब चंद महीने बाकी है, बेरोजगारी भत्ता और वादे किए गए थे, देखने वाली बात है, लेकिन वो व्यवहारिक तरीके से लागू कैसे हो पाएगा? क्या ये दावे और वादे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहते हैं या फिर जमीनी स्तर पर उतरकर जनता तक पहुंचते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जिस तरीके से सत्र के दौरान हंगामा मचा हुआ है, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और एफआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, देखने वाली बात यह है कि आने वाला विधानसभा सत्र कितना हंगामेदार रहने वाला है या फिर तमाम सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए और आगे।